इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदवड़, श्रीमती भवरी देवी चांदवड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी ददनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत, अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। पांचों परमिष्ठियों का स्वरूप आपको समझ में आना चाहिए। आज हम सातवीं पूजा में 512 अर्घ चढ़ा रहे हैं। 512 अर्घों में हम 500 अर्घ परमिष्ठियों को चढ़ाएंगे। अरिहंत परमिष्ठी, सिद्ध परमिष्ठी, आचार परमिष्ठी, उपाध्याय परमिष्ठी और साधु परमिष्ठी। आपके मन में ये विचार, ये धारणा आना चाहिए, पांचों परमिष्ठी भव्य होते हैं, पांचों परमिष्ठी मोक्षगामी होते हैं, पांचों परमिष्ठी हमारे भगवान हैं। अरिहंतों पर और सिद्धों पर जितनी श्रद्धाएं हम करते हैं वो दो परमिष्ठी अब यहां नहीं, वर्तमान में आपको तीन परमिष्ठी देखने को मिलते हैं। आप विचार करके रखना, वर्तमान के तीन परमिष्ठी आपके पास हैं जिनके माध्यम से आप अरिहंत और सिद्ध की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। आप विचार करना, पांचों परमिष्ठी को समझना। अरिहंत जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, सिद्ध परमिष्ठी जो सिद्धालय में विराजमान है, आचार परमिष्ठी जो आपके बगई गांव में विराजमान है, उपाध्याय परमिष्ठी जो अन्यत्र भ्रमण कर रहे हैं, साधु परमिष्ठी आपके बगई गांव में है। आप कितने पुण्यशाली हो कि दो परमिष्ठी आपके यहां पर साक्षात जीवित दिख रहे। लेकिन विचार करना, इतना ही विचार करके रखना, उन दो परमिष्ठी जो आपके यहाँ आए हैं, उपाध्याय परमिष्ठी भी वर्तमान में दिखते हैं, ये तीन परमिष्ठी हमें हमारे स्वरूप का परिचय कराते। इन पांचों परमिष्ठियों को अगर हम देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अरिहंत भगवान अगर इनको हम अपने शरीर पर बिठाने का प्रयास करें, मंदिर में तो हमने कई बार बिठा लिया, हमारे आचार्यों ने कहा जब इन पांचों परमिष्ठी का हमें ध्यान करना है, पांचों परमिष्ठी का हमें जब चिंतन मनन करना है, तो हम अरिहंतों का जब नमो अरिहंत तालम बोलें तो अपने मस्तिष्क पे इनको विराजमान करना चाहिए, अपने हृदय, अपने माथे पर, अपने सर पर इनको विराजमान करना चाहिए। विचार करके रखना, अरिहंत परमेश्वर को विराजमान करना है, जब हमारे मुख से नमो अरिहंत तालम बोले, अभी अरिहंतों का स्वरूप यहाँ पढ़ रहे हो आप, अरिहंत कैसे हैं, अरिहंत कितने प्रकार के होते हैं, अरिहंत के कितने मूल गुण हैं, अरिहंत के एक एक स्वरूप का वर्णन आप समझ रही हो। आचार्यों ने कहा है कि अरिहंत को अगर कहा जाए तो सात प्रकार के अरिहंत हो जाते हैं। अरिहंत का मतलब है केवली भगवान, अरिहंत का मतलब है जो समोसन में विराजमान होते हैं, अरिहंत का मतलब है जिनकी दिव्य देशना खिरा करती है, अरिहंत का मतलब है जो 46 मूल गुणों से सहित हैं, जन्म के 10 अत्से उनके हो रहे हैं, जो इस संसार पे आए हैं उससे पहले ही उनके आने की व्यवस्थाएं बनने लगी। विचार करके रखना, अरिहंत परमेष्ठी उन्हें कह देते हैं जो संसार में शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। अरि प्लस हंत, अरि माने शत्रु और हंत माने नाश करने वाले। उन अरिहंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं, इनको अगर हम दूसरे शब्दों के अरुहंत भी बोला जाता है, प्राकृत में अरिहंत बोलते हैं, अरु आने आत्मा और हंत माने आत्मा में से जो कर्मों को निकाल दिया वो अरिहंत को नमस्कार करते हैं, अरहंत भी बोलते हैं कहीं कहीं। आप विचार करके रखना, अरिहंत, अरुहंत, अरहंत। अरिहंत माने शत्रुओं को नाश करने वाले अरिहंत भगवान, अरुहंत माने आत्मा, अरु रू माने आत्मा, आत्मा को पाने वाले अरिहंत भगवान, और अरहंत, अरहंत का मतलब है अर माने रज, कर्म रज को नाश करने वाली अरहंत। कितने प्रकार की अरहंत हैं ख्याल करना,
एक तीर्थंकर को भी अरिहंत बोलते हैं। सात प्रकार के अरिहंतों के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। एक तीर्थंकर अरिहंत हैं जिनके पांच कल्याणक होते हैं। एक अरिहंत वो भी हैं केवली जो उपसर्ग से के अरिहंत भगवान बन गए। मुनि राज थे, साधना कर रहे थे, साधना करते करते किसी देव ने उन्हें उठाकर नदी में समुद्र में फेंक दिया या किसी ने उपसर्ग कर दिया। आप विचार करना, वो अरिहंत भी हैं उपसर्ग वाले अरिहंत जिनको उपसर्ग होते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक अरिहंत समुद्र घात वाले अरिहंत हैं जिनकी आयु कर्म शेष रह जाता, आयु कर्म समाप्त होने वाली है, बाकी के तीन कर्मों का जब वो संयोजन करते हैं उस वक्त समुद्र घात करते हैं, तीन कर्मों की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक वो भी अरिहंत है। एक सामान्य अरिहंत हैं जिनके पांच कल्याणक नहीं हो रहे हैं। भरत चक्रवर्ती भी अरिहंत हैं, भगवान राम भी अरिहंत हैं। आप विचार करना, हनुमान भी अरिहंत हैं। जिनके सामान से तीन कल्याणक हो रहे हैं वो सामान्य अरिहंत हैं। तीर्थंकर अरिहंत जो हमारे जिनके पांच कल्याणक होते हैं, उपसर्ग अरिहंत जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हो गया वो उपसर्ग अरिहंत होते हैं। जैसे भरत चक्र जैसे पांच पांडवों पर उपसर्ग हुआ, तीन पांडव अरिहंत भगवान बन गए, है ना। आप विचार करना, सामान अरिहंत भगवान राम, हनुमान, लव, कोश, मेघनाथ, ये सब अरिहंत हुए हैं। विभीषण आदि सब अरिहंत हुए हैं। विचार करके रखना, सामान से जो अरिहंत हो गए। और चौथे नंबर पे कहा अंतकृत अरिहंत, अंतकृत केवली जिनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कौन थे ऐसे? इनका नाम तो आपको ऐसा याद है क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, भरत चक्रवर्ती वो अंतकृत केवली थे। चार हो गए, समुद्र घात केवली पांच हो गए, सामान केवली, अंतकृत केवली। उसके बाद आप विचार करके रखना, ऐसे अरिहंत भगवान हुए जो सामान्य केवली भी हो गए। ऐसे अरिहंतों का हम जब वंदन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं तो हमारी अरिहंतों की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। हम अपने जीवन में उन अरिहंतों को कहाँ धारण करें? जब मन में विचार आए तो हमारे मस्तिष्क में अरिहंत को धारण करना चाहिए। पांचों परमेष्ठियों का ध्यान अगर कभी आपको करना है तो हम इस प्रकार से करें, अरिहंतों को मस्तिष्क में, क्योंकि ये समोषण का प्रतीक है। आपका जो सर है, भगवान का समोषण गोल होता है, तो ऐसे ही अरिहंतों को यहाँ विराजमान करो माथे से ऊपर। सिद्धों को कहाँ विराजमान करना है? आंखों में विराजमान करो। सिद्धशिला जैसी है ना आंख आपकी, आपकी आंख सिद्धशिला जैसी ऐसी त्रिकोण है। इसके भी दो प्रमाण मिलते हैं, कहीं चंद्राकार मिलते हैं और कहीं छत्राकार मिलते हैं। छत्र अगर ऐसा हो और दूर से देखे तो नीचे से वो चंद्राकार ही लगता है, लेकिन छत्राकार और चंद्राकार ये दोनों, तो आंखों पे विराजमान करो सिद्धों को। आप विचार करके रखना, सिद्धों के बारे में अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब अर्घ चढ़ा रहे हैं कि कितने हाथ, 3.5 हाथ से भी सिद्ध भगवान हो सकते हैं, और 125 धनुष का शरीर उससे भी सिद्ध भगवान हो सकते हैं। सिद्धों की आराधना आप विचार करके रखना, कहा कि स्त्री वेद से भी सिद्ध हो सकते हैं। इस बात को श्वेतांबर समाज ने पकड़ लिया और उन्होंने द्रव स्त्री वेद में लगा दिया। भाव स्त्री वेद, भाव पुरुष वेद, भाव नपुंसक वेद, ये सिद्धांतिक विषय है, लेकिन अगर कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है तो वहां द्रव से तो स्त्री पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष है, साधु बन गया है और उसके अंदर कहीं भाव ऐसे आ जाते हैं तो आप विचार करना, वो भाव वेद से भी सिद्ध हो सकता है। कई प्रकार के सिद्धों का वर्णन यहाँ पर आया। ख्याल करके रखना, सिद्ध भगवान का ध्यान करना है तो आंखों पर करने का प्रयास करो।
आचार का ध्यान करना है। आचार पर मिष्टि भी होते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं। आचार का ध्यान करना है तो नासका पर ध्यान करो, उपाध्याय का ध्यान करना है तो जिह्वा पर ध्यान करो, और साधु का ध्यान करना है तो सर्वांग पर ध्यान करो। एक बारी से समझ लो, बालों के पीछे हम काले हैं, हाँ विचार करना, हम हड्डियों के पीछे सफेद हैं, हम खून के पीछे से लाल हैं, नसों की अपेक्षा से हरे हैं, और शरीर के अपेक्षा से देखा जाए तो हम सफेद भी हैं। बाल काले के सफेद भी हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत होशियार हो, सफेद को फिर काले कर लेते हो। आप ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना, ये पांचों परमेष्टियों का ध्यान हमें अपने शरीर पर करना है, तब कहीं जाकर हमारा पंच परमेष्टि की आराधना सम्यक रूप से हो सकेगी। हमारे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव संग्रह में पांचों परमेष्टि के स्वरूप करते हुए गाथाएं कहते हैं। आचार्य परमेष्टि कहते हैं, नठट्ट चंद गई कामो दंसे सुह नान वीर मयो सुह दे अथो अप्पा शुद्धो अर्ो विचिंति ज्यो। अर्यंत भगवान का स्वरूप कहते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, नटट चदुघाई कम्मो, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, दंसन स्वे नान वीर्य मयो, दर्शन ज्ञान चारित और वीर अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सुदेयतो अप्पा, और सुदे मतलब उन्होंने शुद्ध देह को प्राप्त कर लिया है जो सप्त धातु से रहित हो गई। आप विचार करना, अर्यंत भगवान के शरीर में सप्त धातुएं नहीं है, परम औदारिक शरीर हो गया उनका, ऐसे शरीर को प्राप्त कर लिया है शुद्ध, और जो पूर्ण शुद्ध हो गई, 18 दोषों से रहित हो गई, ऐसे हम अर्यंतों को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्धों के नमस्कार करने के लिए उन्होंने कहा, नटट कम देहो लोया लोयस जान यो दठा, पुरसा यारो अप्पा सिद्धो जाहे लोई सिंह रथो। आचार्य कह रहे हैं, तुम कैसे सिद्धों की आराधना कर रहे हो, कैसे हैं वो सिद्ध, तो अष्ट कर्म 8 कर्मों से रहित हैं, 5 शरीर से भी रहित हैं, औदारिक वैक्रिक अहरक तेजस कार्मण, ये 5 शरीर से रहित हैं, लोक और आलोक के ज्ञाता दृष्टा है, जिनको लोक का भी सब मालूम है और आलोक का भी सब मालूम है, लोकाकाश लोया लोयस से जानियो डट्ठा, लोक और अलोक का जो सब जानते हैं, पुरसा यारो अप्पा, जो किंचित न्यून शरीर के धारी हैं, जो शरीर अभी हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती हैं, सिद्धों की मूर्तियां यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आकार के रूप में रख देते हैं, वो सिद्धों की प्रतिमा नहीं। पांचों परमेष्टि की प्रतिमा का स्वरूप अगर हम देखें, हमारे आचार्य पुष्प दंत भूतवली महाराज ने षटखंड आगम ग्रंथ के अंदर पांचों परमेष्टि का स्वरूप कहा। पांचों परमेष्टि में अर्यंत भगवान की प्रतिमा जो मिलेगी, आप विचार करना, जितने भी अकृत्रिम चैताले हैं वहां पर अर्यंतों की प्रतिमा है। नंदीश्वर का वर्णन कभी पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा तो जरूर सुनना, वहां पर जितनी प्रतिमाएं हैं सब अकृत्रिम चैताले की प्रतिमा है। उन प्रतिमाओं में 8 प्रातियार रहते हैं। अर्यंत भगवान की प्रतिमा में बाल भी हो सकते हैं। अर्यंत भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार सहित बनती है। सिद्धों की प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार नहीं होते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा, आप विचार करना, सिद्धों की प्रतिमा भी बिल्कुल ठोस होती है, जैसी ये प्रतिमा है वैसी किंचित न्यून, थोड़ा सा कम उनका शरीर होता है। किम चूड़ा चरम दे दो सिद्धा लोगक ठिद्दा निच्छा उप्पा दव्य ही संयुक्ता, ऐसे है वो सिद्ध भगवान, जैसे आपके शरीर में से थोड़ा सा कम क्या हो गया, ये बाल है ना,
वो होते नहीं सिद्धों को। बाल और नख जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो बाल और नख यहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं है, इनमें जान नहीं है, इसलिए यहीं रह जाते हैं। ऐसे सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जो किंचित न्यून शरीर वाले हैं, लोक के अग्र भाग पर विराजमान हैं, उन सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य परमेश्वर का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, दंसन नान पहाणे वीर्य चरित व्रतवायारे अपम परम चजुंजयी सो आर्यो मुनि छे हो। कह रहे हैं कि जो पंचाचार का पालन करते हैं, दर्शन ज्ञान चारे तप और वीर का पालन करते हैं और शिष्यों से कराते हैं, अपम परम चजुंजयी सो उनको हम आचार्य परमेश्वर कहते हैं। उपाध्याय परमेश्वर का स्वरूप बताते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, जो रेणत्य जुतो निचम धम्मो वै सणु निर्दो सो उपजाऊ अप्पा जदि वर सहो नमो तस्य। उपाध्याय परमेश्वर जो होते हैं, जो रत्नात्रय का पालन करते हैं, जुतो निचम और धम्मो वै सणे विरदो और धर्म का उपदेश देते हैं, उन उपाध्याय परमेश्वर कहते हैं। उन उपाध्याय परमेश्वर को हमें नमस्कार करना चाहिए। और साधु परमेश्वर के लिए दंसन नान समगम मोगम मोक्ष जो हो चारितम साधयति निच शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्य। कहते हैं जो मुनि मोक्ष मार्ग के स्वरूप का दर्शन ज्ञान चारित का पालन करते हैं, साधना करते हैं, मौन रहते हैं, उन साधु परमेश्वर को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। महाराज कहाँ कहाँ की बातें कह रहे हो, जो मेरी समझ में आए वो बताओ महाराज, आप विचार करके रखना। मैं आज जब पढ़ रहा था ये सब, तो मैंने कहा कि इनको जानकारी देना है या इनको संदेश देना है। जानकारी वाली बातें तो मैंने बता दी, अब संदेश वाली बातें सर, क्योंकि जानकारियां बहुत सारी हो सकती हैं कि इन ग्रंथों में क्या लिखा है, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन ग्रंथों में लिखा लिखा हमारी जानकारियां तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन को प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे हम जीवन को प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करें। गाथाओं में गाथाएं तो मिलेंगी, हाँ वो भी आ रहे हैं, आज दोनों बरस रहे हैं, हम भी बरस रहे हैं और वो भी बरस रहा है। हमारे उपास वालों की, तपस्या वालों की साधना ज्यादा ही रंग लेकर आ गई है, लेकिन वो ज्यादा बरसेंगे तो पित्त ज्यादा बढ़केगा, इसलिए ठंडे से बचने का प्रयास करना। पांचों परमेश्वर की आराधना आपके जीवन में कैसे उतरे, आप प्रैक्टिकल जीवन को समझने का प्रयास करना। पूजा की एक एक लाइनों को आप पढ़ते हो, पूजा में एक एक लाइनों में ऐसा स्वरूप बताया है, हम विचार करना। अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 28 मूल गुण हैं। उन्होंने अपने जीवन में उन मूल गुणों को साध लिया। आपके कितने मूल गुण हैं? एक भी नहीं है, 8 हैं। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, उन श्रावकों को 8 मूल गुणों का पालन करना है। जब आपके 8 मूल गुणों का पालन करोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ उतरने वाला है, बहुत कुछ उतरेगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपने जीवन में जब हम पूजा की पंक्तियां पढ़ेंगे तो आप उन पंक्तियों में, एक एक पंक्तियों में क्या क्या सार है उसे समझने का प्रयास करना, तब तुम्हारा जीवन की सार्थकता होगी, तब तुम्हारे जीवन का आनंद बरसेगा, तब तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही कहूंगा। ओम नमः जगत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदवड़, श्रीमती भवरी देवी चांदवड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी ददनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत, अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।